अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है हीमोस्टेसिस एंड थ्रोम्बोसिस। सबसे पहले हम हीमोस्टेसिस करेंगे और उसके बाद हम थ्रोम्बोसिस पढ़ेंगे। अच्छा, हीमोस्टेसिस का मतलब क्या है? हीमोस्टेसिस का मतलब है, हीमो मतलब हीम मतलब ब्लड, स्टेसिस मीन्स रोकना रुकना, मतलब ब्लड को रोकना बाहर निकलने से, हेमरेज से। सही है, हीमोस्टेसिस मतलब बाहर ब्लड से, ब्लड को निकलने से रोकना वेसल्स में से। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल हीमोस्टेसिस क्या होता है, मतलब नॉर्मली ब्लड को कैसे रोका जाता है हमारी बॉडी में। अच्छा, इसके चार स्टेप्स हैं। एक है आर्टीरियोलर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, सेकंड है प्राइमरी हीमोस्टेसिस, थर्ड है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस एंड फोर्थ है क्लॉट स्टेबलाइजेशन एंड रिजॉर्प्शन। अब हम इसको डायग्राम में देख के पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा आप लोगों को इजी लगेगा। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को स्टेप्स जो हैं चारों, ये मैं बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ाऊँगी, फिर बाद में हर स्टेप को इंडिविजुअली डिटेल में हम पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। नाम भी जाहिर हो रहा है, वेजो मतलब वेजल और कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स उसका कॉन्स्ट्रिक्ट होना, मतलब ल्यूमेन कम होना, दबना, मतलब ल्यूमेन देखिए कम हो रहा है जैसे इसमें। अच्छा, जैसे ही कोई भी वेजल में इंजरी होगी, ये रही साइट ऑफ इंजरी है यहाँ, तो सब क्या होगा फ़ौरन से, सबसे पहले वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है जो के मीडिएट होती है, मतलब कौन करवाता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन? दो फैक्टर्स हैं जो करवाते हैं, एक है एंडोथेलियन रिलीज और सेकंड है रिफ्लेक्स वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब एक होता है हॉर्मोनल और दूसरा होता है न्यूरोनल नर्वस सिस्टम से। ये दो फैक्टर्स होते हैं जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। हॉर्मोनल में अगर देखें तो एंडोथेलियन आता है जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, एंडोथेलियम रिलीज एंडोथेलियम से ही होता है जो डैमेज हुई होती है, और ये करवाता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अच्छा, अब दूसरी बात आ गई प्राइमरी हीमोस्टेसिस की। ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस है, इसमें क्या होता है, प्लेटलेट की एक्टिवेशन होती है और एग्रीगेशन होती है। होता क्या है, जैसे ही जब वेजल वॉल की इंजरी होती है, ये यहाँ देखें इंजरी हो रही है वेजल वॉल की, एंडोथेलियम इंजर हो गया है, तो क्या होगा उसमें, होता है एक एंडोथेलियम में होती है एक फैक्टर जो प्रोटीन कह लें, जो एक होता है वॉन विलीब्रेंड फैक्टर। तो क्या होता है, होता है वॉन विलीब्रेंड फैक्टर क्या करता है कि वो प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स सबको पता है, वो उनको एडहीशन करवाता है उनकी। कैसे, वो हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ही पढ़ें कि जो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर होता है वो प्लेटलेट्स को अपने आप से अटैच कर लेता है, मतलब सिग्नल्स भेजता है जिसकी वजह से प्लेटलेट्स इस जगह पे आते हैं और वन विलीब्रेंड फैक्टर से अटैच हो जाते हैं। जैसे ही अटैच होते हैं प्लेटलेट्स, सेकेंड चीज़ क्या होती है, उनमें शेप, उनकी शेप चेंज होती है, स्मॉल ओवल से वो लोग स्पाइकी हो जाते हैं, ये इसमें आपको शायद दिख नहीं रहा, अभी फ्लैट हो जाते हैं और स्पाइकी हो जाते हैं प्लेटलेट्स, सेकेंड। फिर थर्ड क्या होता है, इनमें कि ग्रैन्यूल रिलीज होते हैं, ग्रैन्यूल रिलीज ADB और TXA2 थ्रोम्बोक्सिन A2, ये सब प्लेटलेट एग्रीगेशन में काम करते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे इनको डिटेल में। ये क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करवाते हैं, मतलब और रिक्रूटमेंट और एग्रीगेशन और प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन करवाते हैं और उनकी उनको एक साथ मतलब रखते जाते हैं ताकि एक बहुत अच्छा सा प्लग बन जाए, प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग बन जाए। वीक होता है लेकिन ये पहले सबसे पहले ये बनता है प्राइमरी। अब थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे पास वो फॉर्म एक्टिवेट होते हैं और वो बनाते हैं फिब्रिन क्लॉट। कैसे होता है हम देखते हैं, जैसे ही इंजरी होती है, इंजरी हुई हुई है, इसमें प्लेटलेट्स भी एग्रीगेट हुए हैं, तो उसमें से जो एंडोथेलियम होती है एक और चीज़, एक और प्रोटीन अपने दिखाती है, शो करती है, एक्सप्रेस करती है अपनी सरफेस पर, वो होता है टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर अब क्या करता है कि वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है, फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, ये एक्टिवेट करती है। पूरा ही कैस्केड जो होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, वो स्टार्ट होता है और वो बनाता है थ्रोम्बिन एक्टिवेशन, थ्रोम्बिन बनाता है वो। थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिन बनाता है। फिब्रिन कैसे बनता है, वो फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन में और फिब्रिन मेशवर्क बना लेता है, मतलब ऐसे ऐसे बनाता जाता है जब तक अच्छा सा प्लग नहीं बन जाता, ये फिब्रिन का होता है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास थर्ड स्टेप, जिसमें क्या हुआ,
टिश्यू फैक्टर एक्सप्रेस हुआ, उसने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवाया पूरा, जिसने थ्रोम्बिन एक्टिवेशन करवाई, थ्रोम्बिन ने फिब्रिन बनाया और फिब्रिन ने पूरा प्लग बना लिया। ये अब हमारे पास फोर्थ और फाइनल स्टेप इसमें होता है क्लॉट रिजॉर्प्शन। क्लॉट रिजॉर्प्शन मतलब, अच्छा इस स्टेप में क्या होता है कि क्लॉट रिजॉर्ब होता है, मतलब कि कुछ फैक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं जैसे टीपीए, फाइब्रिनोलाइसिस, मतलब ये और थ्रोम्बोमोड्यूलिन, ये क्या करते हैं, ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, मतलब जो कोगुलेशन कैस्केड होता है, जो फिब्रिन बना रहा होता है, मशक बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, उनको रोक देते हैं कि भाई रुक जाओ, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब पूरी इंजरी की साइट कवर्ड हो गई, फिर ये फैक्टर्स एक्सप्रेस होंगे, मतलब आएंगे और फिर इस पूरे कोगुलेशन कैस्केड को रोक देंगे कि बस काफ़ी हो गया। फिर स्किन के ऊपर जैसे आप थोड़ा हार्डन सा ब्लैक कलर का आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि अब ख़त्म हो गई है कोगुलेशन और ये अब सही होने वाला है, क्लॉट जो इंजरी है वो सही होने वाली है। अच्छा अब हम अपने डिटेल में आएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप्स को। सबसे पहले हम इस स्टेप को डिस्कस करेंगे जो प्राइमरी हेमोस्टेसिस हुआ, जिसमें प्लेटलेट की एक्टिवेशन हो रही थी और एग्रीगेशन हो रही थी। आपको प्लेटलेट्स पता है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स सिंपली मेगाकाइटोसाइट्स जो होते हैं उनके शेडेड पार्ट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो टुकड़े से कहें, ये होते हैं। अच्छा जैसे ही हमारे पास इंजरी हुई, डायग्राम में आप समझते हैं, फिर से हमारे पास ये हुई है इंजरी, ये है साइट ऑफ इंजरी एंडोथेलियम में। ये जो एंडोथेलियम है एक्सप्रेस कर देती है फौरन से क्या, बताया था वॉन विलीब्रेंड फैक्टर, ये है वॉन विलीब्रेंड फैक्टर, वॉन विलीब्रेंड फैक्टर। वॉन विलीब्रेंड फैक्टर क्या करते हैं कि ये करते हैं प्लेटलेट से अटैच होते हैं। प्लेटलेट से आप अटैच कैसे होते हैं, ये आपको ऑरेंज से दिख रहे हैं, ये हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट की सरफेस पर होते हैं GPIB प्रोटीन्स, रिसेप्टर्स हैं इनके सरफेस पर होते हैं, ये रिसेप्टर्स GPIB रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स की मदद से प्लेटलेट्स वॉन विलीब्रेंड फैक्टर पे जाकर अटैच हो जाते हैं फौरन से, सही है, जाके ये अटैच होकर जैसे दिख रहा है, ये प्लेटलेट है, ये इसका रिसेप्टर है, ये जाके अटैच हो गया वॉन विलीब्रेंड फैक्टर से, ये हो गई इसकी एडिशन प्लेटलेट की। अच्छा अब इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो हम इस डिजीज़ को वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ कहते हैं, सिंपली, सही है। अब हम सेकेंड ऑप्शन स्टेप पर आते हैं, जो क्या हो रहा था, अब इसमें हम याद है तो प्लेटलेट की एडिशन हो गई, अब होता है शेप चेंज। अब इसकी यहाँ शेप चेंज हो जाएगी, शेप चेंज होगी, इसके बाद हमारे इसके ऊपर GP2B3A कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे ऊपर, ये जो दिख रहा है प्लेटलेट से ऊपर ये आ जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स, और इन कॉम्प्लेक्स की अगर डेफिशिएंसी होगी तो हम क्या कहते हैं, ग्लेंसमैन थ्रोम्बोस्टेनिया, सही है। अच्छा अब ये GP2B3A कॉम्प्लेक्स जो हैं ये करते क्या हैं, इसका हम बताएंगे बाद में कि करते क्या हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, इसके बाद पहले एडिशन हो गई, फिर शेप चेंज हो गई प्लेटलेट्स की, स्पाइकी हो जाते हैं ये सी अर्चिन्स की तरह, ऐसे मतलब स्पाइक्स अपने निकाल लेते हैं, सही है, जिसकी वजह से सरफेस इंक्रीज होता है। अब जिसके साथ क्या होता है, इसी के साथ मैं बताया ग्लाइकोप्रोटीन GP2B3A रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो बन जाते हैं, ताकि फाइब्रिनोजन पर इनकी एफिनिटी इंक्रीज़ हो जाए, वो हम बाद में थोड़ी देर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज, वो इसकी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, सही है, जैसे ये है तो इनकी सरफेस के ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज आ जाएंगे, सही है। और ये करते क्या हैं, ये जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं उनको अटैचमेंट देता है, ये जो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज। अच्छा इसके बाद क्या होता है कि जो ये प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स में से प्लेटलेट्स की होती है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन का मतलब क्या है, एक तो शेप चेंज हो रही है, चेंजेस इन शेप, और दूसरा क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रही है ग्रेन्यूल से, इसमें से इस दो प्रोसेस को कहते हैं प्लेटलेट की एक्टिवेशन हो रही है। अब प्लेटलेट की एक्टिवेशन होती किन फैक्टर से, एक तो होती है थ्रोम्बिन से और एक होती है ADP से, इन दो फैक्टर से प्लेटलेट की एक्टिवेशन होती है। थ्रोम्बिन कैसे करवाता है, थ्रोम्बिन करवाता है प्रोटीज एक्टिवेटेड रिसेप्टर से एक्टिवेशन करते हैं। अच्छा अब प्लेटलेट की एक्टिवेशन हो गई, सही है, प्लेटलेट रिलीज करेंगे ADP और कैल्शियम भी रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से और मज़ीद प्लेटलेट की एक्टिवेशन होगी, एडिशनल राउंड्स ऑफ प्लेटलेट एक्टिवेशन होगी और एग्रीगेशन होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट,
जैसा कि हमने इस डायग्राम में पढ़ा था, पहले क्रेटेड एडिशन हो रही है, फिर शेप चेंज हो रही है, फिर ग्रेन्यूल रिलीज हुआ, फिर हुआ रिक्रूटमेंट। सही है, समझ में आ गया होगा आपको। रिक्रूटमेंट हो गई और मज़ीद एग्रीगेशन होती जाएगी। अच्छा, अब जो प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड हैं, मतलब जो एक्टिवेट हो गए हैं, शेप चेंज हो गए, जिनसे ग्रेन्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, वो रिलीज़ करेंगे थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या होता है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो कि मज़ीद प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करवाता है, मतलब उनको करीब करीब करता है, उनको एक साथ जोड़ देता है ताकि एक हीमोस्टेटिक प्लग बन जाए प्राइमरी टाइप का। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया कैसे होता है, इसकी शेप चेंज और एक्टिवेशन कैसे होती है। अब पूरा आखिरी स्टेप इसमें क्या है कि जो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स थे GP2B3A कॉम्प्लेक्स, ये क्या करते हैं, ये फाइब्रिनोजिन से ऐसे अटैच हो जाते हैं, फाइब्रिनोजिन को भी अपने बीच में ले आते हैं और प्लेटलेट्स के बीच में ऐसे बना लेते हैं, एसोसिएशन कर लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं, इन पर थ्रोम्बिन एक्ट होता है, थ्रोम्बिन एक्ट होता है जो फाइब्रिनोजिन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में, फाइब्रिन बनाता है, मतलब मैशवर्क होता है, ऐसे बनता जाएगा और ये बिल्कुल फिक्स्ड हो जाएगा, जो प्लग है वो बिल्कुल फिक्स्ड हो जाएगा यहाँ और बन जाएगा सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लग। अच्छा, सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लग में रेड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स भी हमें पास पाए जाते हैं। अच्छा, एक दफ़ा हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ये प्लेटलेट का पार्ट, कैसे प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं और एग्रीगेट होते हैं, थोड़ा सा आपके लिए जो हम ज़्यादा हो गया होगा। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि वॉन लिब्रेंट फैक्टर जो होता है वो प्रोटीन से जाकर अटैच करता है GP IB रिसेप्टर के ज़रिए। सही है, इसकी अगर नहीं होगा डिजीज़ तो इसको कहेंगे हम वॉन लिब्रेंट डिजीज़ कहेंगे इसको। अच्छा, अब जब ये हो गया तो इसमें होंगी चेंजेस, कौन सी शेप चेंजेस होंगी इसमें, एक तो ये स्पाइकी हो जाएगा सी अर्चेंस की तरह, फिर इसकी सरफेस पर आ जाएंगे ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A कॉम्प्लेक्स, ये रहे। सही है, जो क्या करते हैं, फाइब्रिनोजन से अटैच होने में हेल्प करते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लग बनाने में। थर्ड क्या होगा कि ये इसकी सरफेस पर नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिपिड्स ऐसे आ जाएंगे जो कि कोगुलेशन फैक्टर्स को अटैच करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ क्या होगा, ये सिक्रीट करेगा ग्रेन्यूल्स जिसकी वजह से हो जाएगी एक्टिवेशन, जिसको कहते हैं एक्टिवेशन हो जाएगी। एक्टिवेशन कौन कौन करवाता है, एक थ्रोम्बिन करवाता है, एक ADP करवाता है। ADP का थ्रोम्बिन कैसे करवाता है, थ्रोम्बिन से करवाता है अपने रिसेप्टर के जरिए, प्रोटीज एक्टिवेटेड रिसेप्टर के जरिए। और ADP कैसे करवाता है, जब प्लेटलेट्स कुछ एक्टिवेट हो गए हैं तो रिलीज़ करेंगे ADP, जो ATP मज़ीद एग्रीगेशन करवाएगा। अब प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गए सही से तो वो और रिलीज़ करवाएंगे थ्रोम्बोक्सिन A2 जो कि एग्रीगेशन करवाएगा और मज़ीद प्लेटलेट्स की। अब प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो चुके हैं बहुत सारे, फिर क्या होगा, इनके बीच आ जाएगा फाइब्रिनोजन इस रिसेप्टर की जो ये है GP2B3A रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स जो है, इनसे फाइब्रिनोजन बना लेगा सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लग, थ्रोम्बिन इस पर एक्ट करेगा फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में और यहाँ बस बन जाएगा सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लग। इसमें होंगे रेड सेल्स भी होंगे और इसमें ल्यूकोसाइट्स भी होंगे। सही है, अच्छा ये रहा हमारा आज का लेक्चर, हम कल से मज़ीद करेंगे कोगुलेशन कैस्केड जो मैं कल के लेक्चर में बता पढ़ाऊंगी आपको, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।